हम रहे या ना रहे कल। जीएनटी देख रहे हैं आप, मैं हूं अनंत भट्ट। दिवंगत सिंगर केके को कोलकाता से भावभीनी विदाई दी गई है। कल उनका मुंबई में अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब से कुछ देर पहले राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को रविंद्र भवन से एयरपोर्ट ले जाया गया। इस दौरान बड़ी तादाद में लोगों ने नम आंखों से केके को विदाई दी। बॉलीवुड के इस नामचीन सिंगर ने कल रात दुनिया से विदाई ली थी। हार्ट अटैक को उनकी मौत की वजह शुरुआती तौर पर माना जा रहा है, लेकिन अभी मेडिकल रिपोर्ट्स में पुख्ता तौर पर ये बात सामने आनी बाकी है। केके के असमय दुनिया छोड़कर जाने से उनके लाखों फैंस निराश हैं, दुखी हैं। कोलकाता ने भी इस म्यूजिकल स्टार को आखिरी सलाम दिया अपने अंदाज में। आपको बताएं कि उनको गन सल्यूट भी दिया गया। पूरे सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई कोलकाता से दी गई और मुंबई में कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जब उनका पार्थिव शरीर रखा गया था तो वहाँ पर उनके बहुत सारे चाहने वाले मौजूद थे, जिन्होंने पुष्पांजलि अर्पित कर अपने भावनाएं व्यक्त की, श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उन्हें गन सैल्यूट उन्हें दिया गया। और आपको बताएं कि कोलकाता में एक कॉन्सर्ट में वो हिस्सा लेने के लिए गए थे, उसी दौरान कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब हुई। वो होटल आए और जब वो अस्पताल पहुंचे तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि ये अभी तक क्लियर नहीं है पूरी तरीके से कि उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक है या इसकी कोई और वजह भी हो सकती है, क्योंकि पुलिस सवालों के दायरे में इस पूरे मामले को ले रही है। जो पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि सिर और चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं। तो सवाल ये है, क्या ये चोट के निशान ही पुलिस को दूसरी दिशा में सोचने पर मजबूर कर रहे हैं? ऑटोप्सी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे केके को गन सैल्यूट दिया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद थी, उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए इस दिवंगत गायक को। सिंगर केके की अचानक मौत से बॉलीवुड सदमे में है। शुरुआती तौर पर माना जा रहा है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। कम उम्र में हार्ट अटैक बेहद फिक्र की बात होती है। अगर वक्त रहते दिल की बीमारी का पता चल जाए तो कई तरह की मुसीबतों से बचा जा सकता है। दिल को दुरुस्त रखने और दिल की बीमारियों को पहचानने के और क्या तरीके हो सकते हैं, इस पर आज हम दिल के रोग के विशेषज्ञ हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। खूबसूरत नगमों को सुरों से सजाने वाले केके की सुरीली आवाज सदा के लिए खामोश हो गई। केके के अचानक चले जाने से बॉलीवुड को गहरा सदमा लगा है। उनकी मौत से संगीत जगत में शोक है। केके की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है, लेकिन महज 53 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ना बेहद असामान्य बात है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इतनी कम उम्र में केके को दिल का दौरा कैसे पड़ गया। केके के अंतिम कॉन्सर्ट से आई कुछ तस्वीरों में केके पसीने से तरबतर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कॉन्सर्ट वाली जगह में गर्मी ज्यादा होने की शिकायत भी की थी। हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के मुताबिक पसीना आना दिल की बीमारी का बड़ा लक्षण होता है। हार्ट अटैक में अक्सर दिल में तेज दर्द होता है, लेकिन कुछ मामलों में बिना दर्द के भी दिल का दौरा पड़ सकता है। हार्ट अटैक होने पर मरीज को फौरन अस्पताल पहुंचाना होता है। जरा सी देर से भी मरीज के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। अगर दिल की सेहत का ख्याल रखा जाए और वक्त पर जांच कराई जाए तो वक्त रहते दिल की बीमारियों को पहचाना जा सकता है। अगर वक्त रहते दिल की बीमारी का पता चल जाए तो दिल को दुरुस्त रखना आसान हो जाता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आप देख रहे हैं जीएनटी और मैं हूं अनंत भट्ट। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर केके अब हमारे बीच नहीं है। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया और एक बार फिर से इस दुखद खबर ने लोगों के जहन में तमाम सवाल छोड़ दिए हैं, खासकर दिल की बीमारी को लेकर। तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट और मेदांता के सीएमडी मौजूद हैं, डॉक्टर नरेश त्रेहान। डॉक्टर त्रेहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो लोगों के जहन में यही उठ रहा है कि कभी भी किसी को भी ये बीमारी हो सकती है, क्या ये मेडिकली सत्य माना जाए इसको कि कोई इससे बचा नहीं रह सकता? नहीं, ये तो नहीं कि कोई नहीं बचेगा, पर ये जरूर है कि बहुत हद तक हिंदुस्तान में काफी तादाद में लोगों को हृदय रोग है। और ये तो अभी पता नहीं है कि केके की जो निधन हुआ है वो हार्ट के प्रॉब्लम से हुआ है कि नहीं, क्योंकि अभी तक रिपोर्ट, ऑटोप्सी की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, वो भी स्पष्ट हो जाएगा। पर ये एक हमें एज सोसाइटी रिमाइंडर है कि हमारे को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, जहां इंडिया में हृदय रोग जो विदेश है उनसे डबल है। तो हमारे एक तो जेनेटिक्स ऐसी हैं कि हमारे में जैसे विदेश में अमेरिका में 4% लोगों को होता है, इंडिया में 8-10% लोगों को होती है हार्ट डिजीज। दूसरा, जिन लोगों की फैमिली में हार्ट डिजीज है, जिनके जीन्स में हार्ट डिजीज है, उनको डबल होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अपने अगर जो आपकी फैमिली में हार्ट हृदय रोग है और या डायबिटीज है तो आपको अपना चेकअप जल्दी कराना चाहिए। 25 साल की उम्र तक पूरे रिस्क फैक्टर्स का पता लग जाना चाहिए। अगर जो नहीं है और कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है किसी बीमारी की फैमिली में, तो 30 साल की उम्र में पहला चेकअप जरूर हो जाना चाहिए, क्योंकि उससे पता लग जाएगा कि आपके बायोकेमिकल मेकअप क्या है, कोलेस्ट्रॉल हाई है कि नहीं और कोई आउट ऑफ रेंज तो नहीं है। दूसरा, ब्लड प्रेशर पता लग जाएगा, आपका कार्डियोग्राम पता लग जाएगा, आपका टॉलरेंस लेवल पता लग जाएगा। सो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं अपनी लाइफ में जल्दी पता करना कि आपको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। आज के दिन हमारे पास वो साधन है कि हम एक तो फैमिली हिस्ट्री, बायोकेमिकल चेकअप, फिजिकल चेकअप के बाद हम बता सकते हैं कि कौन से लोग हैं जिनको हायर चांस है हार्ट अटैक का। जैसे आजकल जेनेटिक और बायोमैकेनिकल सारी नॉलेज अवेलेबल है जी। तो इसीलिए हमें ये जो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके एक इंडिविजुअल के लिए हम ये बता सकते हैं कि क्या उनका फ्यूचर लगता है, काफी हद तक बता सकते हैं, और क्या क्या उनको करना है हेल्थी रहने के लिए, क्योंकि आज के दिन हमारी सारी मेडिसिन जो है वो वेलनेस की तरफ चल रही है जी। हमने मेदांता में भी बहुत बड़ा वेलनेस सेंटर बनाया है कि लोगों को गाइड कर सके कि अपनी लाइफ को हेल्थीली कैसे रहना है। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट चीज है अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना। और जब ऐसे ट्रेजेडी होती है वो हमें रिमाइंडर देती है कि ये हमारे को कितना खतरा है अगर जो हम लापरवाही करेंगे जी। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि 30 साल के बाद रेगुलर चेकअप होना जरूरी है, तो इसका जो बेसिक चेकअप अगर हम बात करें तो वो लिपिड प्रोफाइल ही है जिसके आधार पर एक संकेत मिल सकता है? नहीं, लिपिड प्रोफाइल से तो ये पता लग जाएगा कि आपके ब्लड में लेवल क्या है फैट का जी। और उसके साथ साथ हम और भी चीजें सब कर रहे हैं ना, आपके ओबेसिटी देख रहे हैं, आपका फिजिकल लेवल देख रहे हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री को समझ रहे हैं, आपका बायोमोलिकुलर टेस्ट भी कर रहे हैं। तो ये सब चीजें करके पता लग जाता है कि एक शख्स का कितना रिस्क है जी। ऐसे भी केसेस डॉक्टर साहब सामने आते हैं कि जब लोग कहते हैं कि अचानक हो गया, पहले कोई बीमारी नहीं थी, कोई ऐसा सिम्टम नहीं था, अचानक ही हुआ, क्या ये अचानक होता है या फिर हम संकेतों को समझ नहीं पाते हैं? नहीं, बहुत सारा अचानक होता है। लोग रात को सोते हैं, सुबह उठते नहीं है। हजारों लोग ऐसे आज भी रात को सोएंगे जो सुबह नहीं उठेंगे, उनको पता नहीं है कि उनको हार्ट डिजीज थी। पर ये हर एक को चेस्ट पेन नहीं होता है, ये भी एहसास होना चाहिए। वार्निंग नहीं मिलती, सीधा ही प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि प्रिवेंटिव चेकअप बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में। पहले 25 जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे जेनेटिक है डायबिटीज या हार्ट डिजीज की, उनको 25,
और जो नॉर्मल पॉपुलेशन है 30 तक, उसके बाद उनकी प्रिस्क्रिप्शन दी जा सकती है कि कितनी फ्रीक्वेंसी में उसको करना है। जी, और लाइफस्टाइल से जुड़ा जो मसला है उसको भी कहा जाता है काफी हद तक जिम्मेदार है वो भी इसके लिए। उसमें हम क्या अपने उसमें हम क्वालिटेटिव चेंज ला सकते हैं? नहीं, ये तो आप देख लेंगे कि जैसे आज के दिन सबको स्ट्रेस है जी, और जितना स्ट्रेस होगा उससे आपके बॉडी के ऊपर भी असर पड़ेगा, ब्लड प्रेशर पे असर पड़ेगा, आपकी हार्ट बीट पे असर पड़ेगा। तो इसीलिए ये सब कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, अल्कोहल, टोबैको, ये सब चीजें जो है ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। तो इसलिए अगर जो आप अपने जेनेटिक फैक्टर्स को जानते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अपने जीन्स को पहचानिए, उसके बाद उसके ऊपर और भी अगर जो रिस्क फैक्टर्स होंगे तो वो हार्ट डिजीज डबल होती जाएगी। तो इसीलिए एक अपना मैप, अपना लाइफ मैप हर एक शख्स को अपना बनाना चाहिए। उसके साधन हैं आज के दिन अवेलेबल, कॉस्ट भी इतनी ज्यादा नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ उससे आप लोगों को अपनी लाइफ को कैसे गाइड करना है उसमें बहुत मेरा आखिरी सवाल सर आपसे है, वो आखिरी सवाल ये है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, ब्लड प्रेशर है, अगर शुगर है उसको, तो क्या उसे हमेशा अपने साथ डॉक्टर की सलाह पर कोई SOS मेडिसिन साथ रखनी चाहिए कि अचानक जरूरत ना पड़ जाए? देखो, अगर जो जिन लोगों को ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि इनके रिस्क ज्यादा है या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं ऑलरेडी जी, उनके लिए हम एक प्रिवेंटिव मेडिसिन, मतलब एस्पिरिन सबसे इम्पोर्टेंट है। एस्पिरिन 300 मिलीग्राम को आधे ग्लास पानी में घोल के इमीडिएटली पी लेना चाहिए। दूसरा, जो जिन लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं, ये डॉक्टर की सुपरविजन में होगा कि सॉर्बिट्रेट अपने जेब में रख सकते हैं, जिनको एस्टेब्लिश्ड हार्ट डिजीज है, जिनको एंजाइना है, तो वो भी हम बताते हैं कि क्या डोज आपने जबान के नीचे रखना है। उसके साथ साथ एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन वगैरह हैं, उस पर तो मतलब उसका जो फायदा होगा वो स्लो होता है, पर इमीडिएट जो हम कहते हैं एस्पिरिन घोल के पानी में लो, जिससे वो तो कोई भी ले सकता है, जिससे अगर जो क्लॉट बन रहे हैं तो वो प्रोपेगेट नहीं होंगे और डिसॉल्व भी हो सकते हैं। तो डॉक्टर नरेश त्रेहान को आपने सुना, उन तमाम फैक्टर्स के बारे में वो विस्तार से बता रहे थे जिनको लेकर हमें सचेत रहना चाहिए। हमारे साथ इस समय डॉक्टर सप्तऋषि बासु भी जुड़ गए हैं जो खुद एक जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि जैसे ही KK की निधन की खबर सामने आई उसके बाद जो पहली बात लोगों के जहन में आई, क्योंकि इस निधन को हार्ट अटैक से जोड़कर देखा जा रहा है, हालांकि रिपोर्ट्स में अभी पुख्ता तौर पर कहना बाकी है, लेकिन ये दिल की जो बीमारी है ये एक बार फिर से लोगों के जहन में इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। सीधे सप्तऋषि बासु से हम जानते हैं, सर पहला जो इनिशियल सिम्टम, क्योंकि लोग अक्सर ये जानना चाहते हैं कि कहाँ हमें सचेत होना है, कब हमें सचेत होना है, जो एक इनिशियल सिम्टम होता है वो क्या है? तो घटना घटी है, देखिए पहले जो ये घटना घटी है ये तो हम सब के लिए शॉक है, और KK एक जाना माना सिंगर थे जो कलकत्ता में आए थे, और डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू हिज फैमिली। सो अभी भी ये विश्वास नहीं हो रहा है कि अ पर्सन हु सैंग फॉर सो मेनी आवर्स, मगर कुछ तो प्रॉब्लम था जब वो थोड़ा अनइजी फील कर रहे थे, वो स्वेटिंग भी उसको हो रहा था जो मुझको जानने में आया। फिर ही वेंट टू द होटल एंड आफ्टर दैट ही कोलैप्स्ड। Now, this can be due to many reasons. It can be due to, जैसे सर ने बोला है कि काफी कुछ problems आ सकता है। Actually, coronary artery disease जो है वो शायद checkup के लिए बाद ही ये पता चलते हैं कि क्या है, cholesterol levels, blood pressure और बाकी सब biochemical parameters से। अगर echocardiography से हम लोगों को पता चलता है कि क्या उनका पास उसका enlarged heart है, जिसको हम cardiomyopathy कहते हैं, कि नहीं है, तो वो भी रह सकता है। तो सडन देयर वाज अ डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इन द हार्ट एंड ही कोलैप्स सडनली, मे बी ड्यू टू दैट थोड़ा चोट आया होगा उसका, मगर डेफिनेटली दैट माइट बी ड्यू टू द हार्ट रीजन, वो पोस्टमार्टम से और पता चलेगा। और जो इस हालत में होता है एक इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मलिटी होता है जिससे जो हमको एरिथमिया कहते हैं हम लोग, और एरिथमिया से एक होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, द
तब हार्ट को चालू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे कार्डियक अरेस्ट होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब वो कोलैप्स हुआ तब किसी को पास में रह के हार्ट को चालू करना चाहिए था, सीपीआर देना चाहिए था, तो उससे हार्ट चालू हो सकता था। मगर इसी हालत में जो होता है ऐसे मैसिव हार्ट अटैक या मैसिव अरेस्ट में अगर आप जल्दी एक्ट नहीं करें तो ये हार्ट हमेशा के लिए बंद हो जाता है। डॉक्टर बासु, ये यहाँ पर लोग समझना चाह रहे हैं कि क्या इसमें उम्र का फैक्टर अहम होता है, क्योंकि हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं जब व्यक्ति जो है 30 साल का था, 35 साल का था, 40 साल का था, ऐसे भी केसेस सामने आए हैं। दूसरी बात ये भी कहा जाता है कि बहुत अच्छा लाइफस्टाइल था, डिसिप्लिन लाइफ थी, कोई धूम्रपान नहीं था, कोई स्मोकिंग नहीं थी, कोई अल्कोहल वाली आदत नहीं थी, खाने पीने भी रिस्ट्रिक्टेड थे, उसके बावजूद ये हो जाता है, तो इसको ज़रा समझाएं ये इसकी वजह फिर क्या है। देखिए किसी का भी कुछ हो सकता है, आजकल एज इज नॉट अ फैक्टर, सो लाइक सर सेड एनी पर्सन अबव 30 शुड बी टेस्टेड। हाँ डेफिनेटली रिस्क फैक्टर बढ़ा देते हैं, अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ कॉरोनरी आर्टरी डिजीज है, अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर फैमिली में रहा हो, अगर आप स्मोकिंग कहते हैं, आपका ओबीज है, आपका डायबिटीज है, आपका इनएक्टिव लाइफस्टाइल है। मगर के जी को तो ऐसा कुछ नहीं था, ही वॉज लीडिंग अ वेरी बैलेंस्ड लाइफ जैसे हमको पता चल में आया। मगर फिर भी ऐसे हालत में भी ब्लड टेस्ट, आपका इकोकार्डियोग्राफी, लिपिड प्रोफाइल, ये सब टेस्ट करवाना तो सभी को चाहिए। तो ये मुझको पता नहीं था कि वो टेस्ट करवाए थे कि नहीं करवाए थे, मगर दिस इज वेरी अनसर्टन। मगर हाँ टेस्ट तो करना है जी। और ऐसे हालत में डेफिनेटली कुछ किया नहीं जा सकता, जैसे ही डिडंट गिव अस टाइम टू treat him, so that is again a factor. There was a sudden collapse and probably that led to massive cardiac arrest and sudden death. Dr. Basu, ये कहा जाता है कि जो diabetics हैं उनके लिए खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, और उनके साथ एक problem और भी होती है कि वो pain feel नहीं करते, कई बार उन्हें pain feel भी नहीं होता। दूसरी बात जिनको exactly. BP है उनके लिए खतरा बढ़ जाता है। silent heart attack. जी, जो BP जिनको है उनको खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, और जिनका high cholesterol level है उनके बारे में भी कहा जाता है खतरा उनके लिए ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये भी कहा जाता है साथ साथ कि ये लाइफस्टाइल से जुड़ी चीज़ें हैं, क्या केवल लाइफस्टाइल को दुरुस्त करके इनसे पार पाया जा सकता है, इनको हम टैकल कर सकते हैं, या फिर ये कैसे सुनिश्चित किया जाए, कब सुनिश्चित किया जाए कि आप मेडिसिन के दायरे में आ चुके हैं? देखिए लाइफस्टाइल तो आपको मॉडिफाई करना है, अगर आप ओबीज हो तो आपको वेट रिड्यूस करना है, अगर आप स्मोकर हो आपको स्मोकिंग क्विट करना है, अगर आप ज्यादा अल्कोहलिक हो तो आपको अल्कोहल का एकदम नशा को आपको हटाना है, तो ये सब तो डेफिनेटली है। और आपको और भी इम्पोर्टेंट जैसे मैं कहा था कि फैमिली हिस्ट्री, अगर आपका फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिजीज या डायबिटीज हो तो आपको रेगुलर चेकअप आफ्टर 30 करवाना पड़ेगा, ये बहुत एसेंशियल चीज है। अगर आप नहीं करवाओगे तो क्या आपका शरीर में चल रहा है ये किसी को पता नहीं चलेगा। यू मस्ट गो टू अ डॉक्टर, यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर एंड चेक अप योर हार्ट, योर ब्लड टेस्ट, योर ब्लड प्रेशर, एवरीथिंग, सो दैट अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो दैट कैन बी टेकन केयर। इनएक्टिव लाइफस्टाइल अगर आपको हो तो आपको दौड़ना है, आपको एक्सरसाइज करना है, डाइट को कंट्रोल करना है। आजकल का इस उम्र में सब जंक फूड्स लेते हैं, बहुत टाइम से नहीं लेते हैं, सो जिसका डायबिटीज है उसका भी ये प्रॉब्लम्स बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड का लेवल्स बहुत हाई हो सकता है। तो ये सब बहुत अहम है। अभी जो स्ट्रेस लेवल में हम लोग जाते हैं, जो स्ट्रेस हम लोग को आता है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर आवर ओन लाइव्स। जी डॉक्टर बासु, एक कॉमन टेस्ट करवाते हैं लोग, लिपिड प्रोफाइल का जो टेस्ट होता है, उसमें ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना, VLDL का बढ़ना एक कॉमन फिनोमेना देखा गया है। हालांकि उसकी ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल वैल्यू भी देखी जाती है, लेकिन क्या ट्रिग्लिसराइड्स का बढ़ना ये माना जाए कि आप उस दिशा में बढ़ चुके हैं, हार्ट डिजीज की तरफ बढ़ चुके हैं, इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है, वो केवल एक छोटा फैक्टर है? नहीं देखिए डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपका कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये सब अगर बढ़ा हुआ है, कंट्रोल नहीं है, और आपका HDL लेवल अगर लो है जिसको हाई रहना चाहिए, सो ये अगर आपका नहीं है तो आपका मिक्स्ड डिसलिपिडेमिया है,
तो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली डाइट को मैनेज करना है, आपका होम कुक फूड खाना है, जंक फूड्स नहीं खाना है, और अगर आपका फैमिली हिस्ट्री है, आप अगर ओबीज हो तो आपको दवाई लेना है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के, ये तभी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो ये डॉक्टर आपको डेफिनेटली गाइड करेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, आपका लाइफस्टाइल क्या होगा, आप कितना टाइम वॉक करोगे, कितना टाइम रन करोगे, कितना टाइम आपके शरीर पे पीछे आप लगाओगे, और फूड हैबिट्स क्या होगा आपके, आपको कितना कोलेस्ट्रॉल कम करना है, आपको किस लेवल में आना है, स्मोकिंग अगर आप करते हो आपको क्विट करना है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब तभी आपको पता चलेगा जब एक पर डॉक्टर के पास आप जाओगे और डॉक्टर आपको जो फूड हैबिट्स देगा उसको आपको फॉलो करना है। न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज खाना भी इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन योर डेली रिक्वायरमेंट्स, जो एनर्जी आपको है वो भी इंपॉर्टेंट है, मगर जंक फूड्स नहीं, उससे आपको कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है और आपको एथेरोस्क्लेरोसिस। एक सवाल का जवाब और दें डॉक्टर बासु, क्योंकि लोग ये भी सोच रहे हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति रेगुलर चेकअप्स करवा रहा है, अपने टेस्ट करवा रहा है और उसमें वो क्लियर है, कोई दिक्कत उसको नहीं है, क्या ऐसे व्यक्ति को भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, पहली चीज, और क्या ये जरूरी है कि आप ये क्या इसकी वजह से होता है कि हमें पता नहीं था बीमारी थी लेकिन बीमारी थी, या बीमारी नहीं थी फिर भी कार्डियक अरेस्ट हो गया, दोनों में से किस क्या सिचुएशन होती है? देखिए, आपको ये किसी का शरीर में कुछ भी हो सकता है, दैट इज फॉर श्योर, मगर आपके हाथ में जो है, जो टेस्ट आपको करवाना है, जो आपको डॉक्टर चेकअप करवाना है, ये आपके हाथ में है, सो प्लीज डू दैट। हाँ, किसी चांसेस किसी प्रॉब्लम्स हो सकता है, जो आपका रिकॉर्ड्स अच्छा था या आपका कुछ बीमारी नहीं था, फिर भी ऐसा कुछ हो सकता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि सडन कार्डियक अरेस्ट, कुछ एरिदमिया, कुछ सडन एरिदमिया हो गया, ऐसे हुआ था, जैसे एक लेक्चर देते वक्त में देखा था हमारे एक्स प्रेसिडेंट प्रोफेसर अबुल कलाम ने सडन कोलैप्स किए, सो ऐसे होते हैं, ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, मगर ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं। कुछ चीज़ है जो आपको आंसर नहीं मिलता है क्यों ऐसा हुआ है, जैसे के साहब का जो बहुत लाइफ लीड करते थे, वो बहुत बहुत अच्छा था, वो कोई डिस्टर्ब लाइफ नहीं लीड करते थे, सो दैट इज डेफिनेटली देयर, मगर ऐसा, हाँ, ऐसा कुछ होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बासु हमसे इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए और महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो होने को जीवन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आपके हाथ में है उसे आपको ज़रूर करना है, अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर कंसर्न हैं, अगर आप अपनी सेहत को लेकर जागरूक हैं, टेस्ट रेगुलर कराने हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को लीड करना है, यही कहना है तमाम डॉक्टर्स का जब बात आती है दिल की बीमारी की। हमारी खास पेशकश में इतना ही, फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको जाना कहीं नहीं है, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। हम रहे